गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कल बारिश हो रही थी, आज देखो धूप निकल गई है। चलिए मैं आप लोगों को ऋषु की नानी से मिलाती हूँ। गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामी। गुड मॉर्निंग। ये बत्तख है देखो। चलिए मैं आपको आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ की सैर कराती हूँ, ऊपर ले जाती हूँ छत से, छत से व्यू दिखाती हूँ आपको। गुड मॉर्निंग युक्ति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छी नींद आई? मस्त नींद आई। अच्छा ऋषु भैया और ओमिशा कहाँ है? सो रहे हैं लोग? ये देखो फ्रेंड्स, ये दोनों सो रहे हैं। ये कैसे सो रहे हैं, बेहोश होकर देखो जरा। ये है हमारे आपके हीरो और ये है दूसरी उमिशा, वाह, और ये है तीसरी युक्ति। चलो युक्ति ऊपर चले, सबको ऊपर छत से दिखाएं। चलो युक्ति दिखाएगी सबको, चलो लेट्स गो। ये देखिए व्यू, मैं आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाती हूँ। थोड़ी यहाँ पर फिसलन हो रही है, कल बारिश हुई थी ना, बहुत फिसलन हो रही है, स्लिपरी हो रहा है बहुत। ये पीछे पूरा जंगल है, ये लोगों को थोड़ा जूम करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल है। हाँ बेटा, ये देखिए ऊपर भद्राक्ष देवता है, शिव जी का मंदिर है। मैं कभी गई नहीं हूँ क्योंकि बहुत दूर, मैं जब भी आती हूँ बस एक या दो दिन के लिए आती हूँ हमेशा ही, इस बार एक हफ्ते के लिए आई हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला टॉप, ये वाला टॉप, ये है भद्राक्ष देवता। ये आपको छोटा सा शायद दिख भी रहा होगा वाइट वाइट, ये है भद्राक्ष देवता मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। हमारे यहाँ से तो पैदल जाते हैं, और अगर आप मसूरी से जाते हो तो वहाँ से प्रॉपर रोड है। ये पूरा व्यू है, आपको मैं एक बार और ऊपर से भी दिखाती हूँ। ये हमारा गाँव है, चलिए आइए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आ युक्ति, आप किधर जा रहे हो, आ जाओ इधर। अभी ओमिशा और ऋषु सो रहे हैं तो उसका मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। देखिए कितनी ग्रीनरी है, बहुत ब्यूटीफुल है, फ्रेश एयर है, ठंडा है बट ठंड हो रही है, कल से बारिश हो रही तो बहुत ठंडा हो रहा है। छत पे चलते हैं, इससे भी ऊपर छत है एक बार, वहाँ चलते हैं, फिर मैं वहाँ से आप लोग को दिखाती हूँ। देखो कल जो मैंने आप लोग को फार्म दिखाया था, वो यहाँ से पहले आप लोग को फार्म दिखाती हूँ। ये देखिए जो फार्म मैंने आप लोगों को कल दिखाया था, ये वो फार्म है। देखिए ये हमारे दादाजी हैं, दादाजी है मतलब ऋषु के परदादा, ऋषु के ग्रेट ग्रैंड पापा कह रहे, वो भी देखिए यहाँ से 360 डिग्री व्यू देखिए। यहाँ से आपको इधर से दिखाती हूँ, मैं छत पे जाके दिखाती हूँ। एक सेकंड, स्लिपरी हो रहा है थोड़ा यहाँ पर ना, जनरली कोई आता नहीं है। अब देखिए, अब मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ यहाँ से, यहाँ से देखना अच्छे से, थोड़ा नीचे भी घर के साइड भी दिखाई देगा। ये है एंट्री यहाँ से, ये खिड़की ऋषु के ग्रेट ग्रैंडफादर की खिड़की है, वो हमेशा वहीं ही बैठे रहते हैं, ही लव्स टू सिट देयर। ये देखिए दिख रहे हैं ना आपको,
मतलब आप व्यू देखिए यहाँ से। ये आम का बगीचा है जो मैंने आपको कल दिखाया था, ये पूरा वो आम का बगीचा है। ओके बेटा, ये देखिए कल बारिश हुई थी, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा बहुत हो रहा है बट अच्छा लग रहा है। मैं अब थोड़ा नीचे के साइड जाती हूँ, फिर आपको वहां से दिखाऊंगी। कल तो बारिश के कारण आ नहीं पाई थी। अब देखिए यहाँ पर गाय को रखते हैं। यह गाय, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे गाय है। यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर गांव है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बच्चे भी हो गया। हाँ, छोटी छोटी से बच्चे, देखो मुझे थोड़ा डर लगता है अंदर जाने में। और ये इनका खाना है, भूसा जिसे बोलते हैं, वो है। ये ऋषु की नानी का ही घर है। अब यहाँ से मैं दिखाती हूँ, देखो ये भी यहाँ पे भी सब्जियां लगी है। ये नहीं, चीकू है, देखो चीकू लगे हुए, देखो देखो चीकू लगा हुआ है यहाँ पे। हम सब यहाँ पे सब लोग फार्मिंग करते हैं, जैसे जो भी है फैमिली हमारी सब फार्मिंग में है, तो ट्रैक्टर सब कुछ रखा रहता है इसीलिए। ये देखिए पूरा खेत है यहाँ पे, पूरा खेत है नीचे जाने का। और इधर देखो करेले का भी है, आई थिंक ये करेला ही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बट करेले लगे नहीं है शायद, फूल ही फूल लगे हैं। हाँ बेटा, वहाँ भी है, वो देखिए वहाँ भी पूरा पीछे के साइड खेत ही है। वो देखिए पूरा पीछे दिख रहा होगा आपको, पूरा खेत है ये सब। आइए हम आगे और दिखाते हैं आपको। ये देखो पूरी सब्जियां लगी है इधर। पपी दे, पपाया का पेड़, पपाया लगा है अभी भी। ये देखो यहाँ पर भी लगा हुआ है, मुझे पता नहीं क्या क्या लगा है बट लगा है, बहुत सारी चीजें लगाई हुई हैं। मतलब हल्दी है, आई थिंक टर्मरिक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, टर्मरिक लगा है। और मक्की भी लगी है, और ये मक्की है शायद, मक्की है ये, मकई मीन्स कॉर्न जिसे हम बोलते हैं, बट आजकल तो अमेरिकन कॉर्न मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको अमेरिकन कॉर्न नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको देसी कॉर्न जो होते हैं ना अपने, सफ़ेद कॉर्न और हल्के पीले कॉर्न, वो मिलते हैं। और इन्हें ये लौकी है, ये देखो ये लौकी है, बट लौकी आई थिंक लगा नहीं है। हाँ, और ये अरबी है, ये अरबी है, ये हल्दी नहीं, ये अदरक है, ये पत्ते दिख रहे हैं आपको, ये अदरक है, जिंजर। ये तो मैंगो एज यूजुअल आप सभी को पता ही है। ये देखो इनको, वो लोग सोच रही हैं कि हम उनके लिए खाना लेके आए, इसलिए दे आर लुकिंग एट अस, सो क्यूट। आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ मैं, पर वहाँ पे ना मुझे डर लगता है जाने में। वहाँ पर है ना गाय ने बच्चा दिया है, मतलब बच्चे नहीं, सॉरी, बच्चा दिया है गाय ने। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, चलो आप लोगों को मिलाती हूँ। मुझे इनका नाम नहीं पता बट मैं अभी इंस्टेंटली इनका नाम रख देती हूँ अपनी तरफ से। ये मारेगी तो नहीं, छोटी छोटी बेबी है। अरे एक छोटी बेबी वहां भी बैठा हुआ, देखो ये देखो ये इनकी मम्मी, एक छोटी बेबी कल ही हुआ है। ये कौन बछड़ा है, बछड़ा नहीं अच्छा बछड़ा, आपको पता है ना ये बहुत प्यारी बोलती है बछड़ा। ये बछड़ा है, ये देखो उसे लग रहा है शायद मैं उसका खाने के लिए कुछ लाई हूँ, तो शी इज वेरी एक्साइटेड। ये देखो कद्दू रखे है, कद्दू आप लोग खाते है कद्दू, पंपकिन। ये देखो इनको, हाय, मैं अब मारेगी शायद, ही मुझे मारने वाली है शायद मुझे। चलो मैं यहाँ से निकलती हूँ, गुस्सा आ रहा है उसे। चलिए यहाँ से देखते हैं हम।
हमारे गांव में क्या होता है ना, जो मकई होती है ना, मकई जो मैं अभी आपको बता रही थी, उसके ये जो अंदर के होते हैं, जनरली हम शहरों में तो फेंक देते हैं, बट यहाँ गांव में इसे रखते हैं, इसको आग जला के ना रखते हैं, तो एक जो गाय हैं इन लोगों को गर्म, अभी ठंड के मौसम में थोड़ी गर्मी देने के लिए, और जो गाय के गोबर होते हैं, गाय के जो गोबर होते हैं, मैं सॉरी आप लोगों को दिखा रही हूँ, बट जो गाय के गोबर होते हैं उनको हम रखते हैं और धूप में सुखाकर उपले बनाते हैं, फिर उसको भी जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, गाय जो भी जानवर आपने पाले हुए हैं उससे उनको वार्मनेस मिलती है सर्दियों में। ये देखो, ये हमारे घर के दो डॉगी हैं, क्या नाम है इनका, क्या नाम है इनका, एक वाइट वाला का काली, मतलब वाइट वाला का काली, काली उसका ब्लैक वाला। अच्छा अच्छा, देखो ये जो रेड वाली है ना, इसका नाम है लालू, लालू ना, लालू। ये देखो लालू, बोलो दोनों ही पूंछ हिला रहे हैं। अच्छा ये है लालू, अरे बहुत प्यारा है लालू, लालू। और ये है, इसका नाम क्या है, काली, काली। काली को शायद आपने कल की वीडियो में भी देखा होगा, लालू काली। ये देखो खुजली करने लग गई, वो सोच रहे हैं दोनों के दोनों कुछ खाने के सामान लाए। खाने के लिए, हाँ। अच्छा फिर देते हो आप, दोनों को देते हो, हाँ, अरे वाह। चलो और दिखा दे, ये ट्रैक्टर रखा है यहाँ पे, ये दोनों यहीं पे ही बैठे रहते हैं ना दिन भर। यहाँ से देखो जंगल, और यहाँ से ये देखो, ये ऊपर घर है जहाँ से मैं ऊपर से वीडियो बना रही थी, ये वो जगह, सीधे सीधे आए हैं हम नीचे। ये है देखो खेत पूरा, वहाँ पे क्या लगाया है आपको नहीं पता होगा ना, ये देखिए व्यू, अमेजिंग, मतलब फ्रेशनेस है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये सब चीजें हमें बॉम्बे में नहीं मिलती हैं, जब हम यहाँ आते हैं तो बस हमें लगता है कि बस जी लो जिंदगी। चलिए मैं थोड़ी और व्यूज दिखाती हूँ आपको। नींबू, तोड़ दो नींबू, ये देखिए नींबू है, मैं तोड़ रही हूँ। ये लो नींबू, ये नींबू है, ये देखो फ्रेश दो नींबू तोड़ लिए, आज इनकी चटनी बनेगी। क्या बोल रहे हो, बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। बेटा वो न्यूज़पेपर वाले अंकल हैं। जब मैं छोटी थी, हाँ तो मैं कुछ बता रही थी, जब मैं छोटी थी तब यहाँ पे लाइट नहीं हुआ करती थी, पता है युक्ति, आओ इधर आओ मैं आपको बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना आपके जैसी, तो उस टाइम पे यहाँ पे लाइट नहीं हुआ करती थी, तो जब हम लोग आते थे तो हम क्या करते थे, लाइट तो रहती नहीं थी, फिर हम लोग ना चार्जेबल टॉर्च आते हैं, जिनको धूप में रखो तो चार्ज हो जाती हैं, बहुत सारी लाइट्स थी वो। आपके पापा, मैं और आपकी बुआ छोटी वाली, हम सब खूब मस्ती करते थे जब हम यहाँ आते थे, खूब मस्ती करते थे। देखो कितना प्यारा लग रहा है, धूप तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ धूप जनरली आती भी नहीं है क्योंकि इतना जंगल है, धूप आएगी कहाँ से। ये भी किसी ने कहा रही है, हाँ वो उधर आती है धूप तो। तो हम खूब मस्ती किया करते थे आके, लाइट होती नहीं थी तो पढ़ाई की छुट्टी रहती थी, रात को हम पढ़ाई भी नहीं करते थे, खूब मस्ती करते थे, खूब मस्ती करते थे। यहाँ पर एक आंवले का पेड़ हुआ करता था, ग्रॉसबेरी का, ये को मैं बता रही थी ना, जो आम का बगीचा वो पूरा यहाँ तक है, देखो ये इधर यहाँ एंड हो रहा है, इट्स वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा है, हाँ वहाँ पे बहुत बड़ा, वो तो कचरा फेंकते हैं ना वहाँ पे, ये किसी का
गेट किसने बनाया I don't know। यहाँ से ऊपर गांव के साइड जाते हैं देखो, और ये पूरा जंगल है। आप देखो जंगल, देखो ये पूरा नीचे तक है जंगल, बहुत लंबा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, छोटे में मम्मी पापा आने नहीं देते थे इतनी दूर जब हम आते थे, और अभी खुद ही बारिश नहीं आने दे रही है, कभी खुद का आलस है। देखिए यहाँ से, जब हम यहाँ से चढ़ के यहाँ से चढ़ेंगे फिर उधर आगे जाकर तब मेन रोड आता है जहाँ से आपको बस या फिर जहाँ भी आपको जाना, तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजी है। यहाँ से आपको खुद ही या तो पैदल जाना पड़ेगा घर से, या फिर आपके पास अगर आपका खुद का गाड़ी, खुद की गाड़ी है तो खुद की गाड़ी में बैठ के जाइए। ये तो मुर्गी फार्म का रास्ता है। हाँ, एक मुर्गी फार्म का रास्ता है। किसका मुर्गी फार्म है वहाँ पे? पापा का। पापा का? चलो चले, आपको रास्ता पता? नहीं पता? पता है, चलो थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं, फिर वापस आ जाएंगे, है ना? सबको दिखाएंगे ना? चलिए मैं आप लोगों को फार्म पहुंच के कॉल करती हूँ, या फिर मैं घर जाती हूँ तो घर जाके उनसे मिलाती हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ मैं। कितना घना जंगल है देखो, रात को नहीं आ सकती मैं यहाँ पे, मुझे बोले रात को जाओ तो मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे। पहाड़ों में तो जनरली आपको ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। चलो बहुत दूर है ना पापा का, तो फिर नहीं जाते अब वहाँ पे। क्या करें आप बताओ, आप डिसाइड करो, चलना है क्या करना है। बताओ बताओ, अरे इतना बड़ा सोचना, चलो थोड़ा सा चलते हैं। जब शादियां होती थी ना तो ये जो पत्ते दिख रहे हैं आपको, इस पत्तों को, इन पत्तों को तोड़ के ना थाली बनाई जाती थी, मतलब पत्तल बोलते हैं उसे गांव में, और मतलब सब जगह पत्तल बोलते हैं, डिस्पोजेबल मतलब गंदगी भी नहीं, और जब सूख जाए तो इनको जला दो और इससे अच्छे गर्म मतलब जानवरों के लिए अच्छा वार्म हो जाता है। तो ये इनके पत्ते बनाकर हम इनमें खाना खाया करते थे जब शादियाँ होती थी या पार्टी होती थी, जब हम गांव आते थे अपने छोटे थे ना तब की बात है। देखो पूरा जंगल है यार, हम बहुत खतरनाक जंगल में चल रहे हैं, हमें चलना चाहिए।